हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे आया छोटे शाह की ज़ियारत पे, जो कि मेंढर में ये पड़ती है ज़ियारत। तो अब इसका हम आपको व्यू बताने की कोशिश करेंगे। ये है हमारी मस्जिद है छोटे शाह की। तो आओ हम अंदर लेके चलते हैं इसके, यहाँ की मज़ार की आपको दीदार करवाते हैं। वो लिए अल्लाह है यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये कब्रिस्तान है। ये जो आगे है, ये यहाँ पे हैं हमारे औलिया अल्लाह, यहाँ पे आराम कर रहे हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप यहाँ पे आएँ, विज़िट कीजिए, देखें यहाँ पे औलिया अल्लाह कहाँ कहाँ पे बसे हैं। ये देखेंगे, ये यहाँ पे हैं, ये हमारे छोटे शाह हज़रत बाबा छोटे शाह औलिया। ये हज़रत माई साहिबा, जो इनकी बहन हैं। तो आइए अब हम आपको यहाँ पे मिलाते हैं इमाम साहब से, कि जो हमें मज़ीद इस बारे में बताएंगे। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। इमाम साहब, इस ज़ियारत के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, मबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ये ज़ियारत शरीफ जो है, हज़रत बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है जी। सखी मैदान में तहसील मेंढर है ये, और यहाँ पर दो आपने दिखा होगा मज़ार हैं, और दोनों रोज़े जो हैं ये बहन और भाई के हैं जी। जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब हम आए तो हमने भी आपकी तरफ पूछा, यहाँ के बुज़ुर्गों से, बड़े लोगों से, जो पुराने लोग थे जी जी, कि हमें भी इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो हमें ये बताया कि ये बचपन में ही यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे जी जी। और लाने का कारण बताते हैं कि जैसे आम बच्चे हमारे तरह, जो हमारे बच्चे हैं जो खेलते हैं, तो उनकी तरह ये खेल नहीं खेला करते थे, बल्कि बचपन से ही इनसे बहुत सारी करामात का सुदूर हुआ, ज़हूर हुआ। तो जब इनसे करामात का ज़हूर हुआ, तो जैसे इन्होंने बताया कि ये दरिया के किनारे जाते और एक अनार होता है ये जंगल में, जिसे हम दड़ूना कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो फल लेकर के तो काफ़ी ये बैठ जाते वहाँ पर दोनों बहन भाई, तो पानी में फेंक देते और बताते कि ये भैंस बनेगी, तो वो भैंस ही बन जाती थी, बहरहाल जैसे हमने सुना है। तो करामात के हम लोग कायल हैं, क्योंकि अल्लाह के वलियों की करामत जो है वो हक है। तो फरमाया कि इनके वालिद साहब के पास लोग शिकायत लेकर पहुँचे कि हज़रत, आपके बच्चे बड़े बड़े काम करने लगे, बड़ी बड़ी करामात दिखा रहे हैं, तो आप उनको मना करें। तो बोले वालिद साहब जलाल में, इनके ताकुब में जब आए, दौड़े इनके पीछे, तो इन्होंने भागना शुरू कर दिया। फरमाया कि यहाँ पर आए और आकर ये थक गए, तो इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मौला हमारे लिए ज़मीन को कुशादा कर दे, कि हम वालिद साहब से छुप जाएं, हमें मारेंगे। तो फरमाया कि ये ज़मीन खुद ब खुद ही कुशादा हो गई, खुली हो गई, तो ये ज़मीन के अंदर दोनों बहन भाई तशरीफ़ ले गए। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद से जब लोगों को खबर हुई कि यहाँ पर ये मदफून हो गए हैं, जिंदा मदफून हो गए हैं, मतलब बचपन में ये जिंदा खुद ब खुद ही ज़मीन में तशरीफ़ ले गए थे, तो उसके बाद ये इनके मज़ारात वगैरह निशान के तौर पर यहाँ पर बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों के हिसाब से ज़ायरीन यहाँ दिन में आते हैं, रात में भी यहाँ आते हैं, और लंगर का अच्छा खासा अहतमाम है, ज़ायरीन के रुकने का इंतज़ाम है, और काफ़ी इस्लामिया इसको चला रही है बड़े अहसन और बहुत अच्छे अंदाज में। इसी ज़ियारत शरीफ के साथ एक मदरसा है, जहाँ पर 50-60 तलबा जो है वो ज़ेर तालीम है, रात और दिन यहाँ रहते हैं। कुर्ब जवार और इलाके के बच्चे भी यहाँ आकर दर्स हासिल करते हैं। उसी के साथ स्कूल भी है, एजुकेशन का अच्छा सिस्टम है, 8th क्लास तक स्कूल भी रखा है औकाफ ने। मजीद आप देखिए कि साथ में एक मस्जिद बनी हुई है 3 मंजिल, और ये दावत नज़ारा देती है लोगों को। माशाल्लाह, लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें ताउन किया, और अब भी लोग ताउन कर रहे हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि अल्लाह के मुकद्दस घर में जो भी खुशी के साथ हिस्सा लेना चाहें, तो वो इसमें अपने हलाल की कमाई से हिस्सा लें, और अपने लिए आखिरत का ज़खीरा जमा करें। तो माशाल्लाह, ये है इस ज़ियारत का तारुफ़। इमाम साहब, आप मुझे एक चीज़ और बताएंगे, ये है हज़रत माही साहिब, इसका नाम माही क्यों पड़ा है, इसके बारे में असल में ये माई साहिबा है जी। जी, माई साहिबा इसलिए है कि ना तो इनका नाम किसी को पता था, ना इनका नाम किसी को जी जी जी।
दोनों बचपन में मदफून हो गए, तो नाम पता ही नहीं था किसी को, तो उधर छोटे शाह लिखा है जी जी और इधर माई साहिबा लिखा हुआ है जी। ये इनकी नाम क्या, का ये इनकी बहन है या? ये इनकी बहन है जी जी, दोनों बहन भाई थी जी। शुक्रिया इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। शुक्रिया।